वो जैसे उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे आज तक याद है, जब उसने मुड़ के मुझे कहा कि शहबाज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे उस वक्त कन्फर्म हो गया था कि ये कोई रॉबरी नहीं है, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है, मुझे असल में कुरान ने, कुरान पाक ने बचाया। 12 साल के बच्चे फिदाई जैकेट्स बांध के मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, जिससे वो इतनी नफरत करते थे कि मुझे उन्होंने कुरान इसलिए नहीं दिया था कि ये तुम्हें सुकून देगा, ये देखो एक काफिर, और मैं, मुझे कभी किसी ने काफिर नहीं कहा। और उसका नाम था फातिमा। 3 साल की बच्ची की शक्ल पे ऐसा गुस्सा ही इंसान नहीं समझ। उसने कहा कि कौन मुझे सीरियसली लेगा जब मैं फिदाई हमला करने जाऊंगी, आपने मेरी डॉक्सन के ऊपर फूल बनाया। इतना तशद्दुद कि वो आपकी बॉडी में से गोश्त निकाल रहे हैं। लोग मेरे से कहते हैं कि आप मेंटली ये क्यों नहीं ब्रेक हो, उंगली ऐसे करने पे काटने के लिए तैयार हो गए, इतनी इंटॉलरेंस आ गई है। मोमिन की एक निशानी सब्र है। आप सही होके भी फेल हो सकते हैं। मेरी अम्मी कह रही थी, शहबाज मैंने तुम्हारी जान अल्लाह के हाथ में छोड़ी है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जो हमारा तालिबान गाइड था ना वानी, वो हंस के उसने पश्तों में उनसे कहा, इधर तो कुत्ता भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोता, तो तुम लोग सजदा किस चीज़ की कर रहे हो। एक मशीन आई है जिसने पहाड़ को इस तरह चांद की तरह काट दिया, वो बेसिकली बमबारी थी, उस पहाड़ पे जंग लड़ी गई थी। तो आप सोचें कैसा असला उधर इस्तेमाल हुआ है इन लोगों पर। एक तालिबान को मारने के लिए पूरा गाँव डुबाना होता है, उनसे लड़ के क्या मिला, कुछ भी नहीं। कहते हैं इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं क्योंकि वो बेचारा यही कहता है कि इनसे कोई नहीं लड़ सकता। रशिया को जिसने हराया है उससे अमेरिका भी हारेगा एंड में, वो चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज तासीर, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है लॉस्ट टू द वर्ल्ड, और इन्होंने कहानी बयान की है अपने उस सफ़र की, अपने उस जदोजहद की, जो कि इन्होंने कुछ शिद्दत पसंद जो ग्रुप्स हैं उनकी कैद में टाइम गुजारा। इन पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो नॉर्मल अगर कोई इंसान बर्दाश्त करता तो शायद वो मेंटली या फिज़िकली स्टेबल होकर दोबारा आपके सामने मौजूद ना होता। तो सबसे पहले तो हम इन्हें दोबारा से दुनिया में खुश आमदीद भी कहते हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स, लेकिन इन्होंने रिहेबिलिट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा शहबाज साहब, आपने इतना टफ टाइम गुजारा और आपने उसको एक किताब की शक्ल भी दी। हम शुरू करेंगे उस दिन से जब लाहौर की रोड पे आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे थे और वहाँ एक एकदम से ऐसा लगता है कि रॉबरी हुई है, कार छीनने के लिए कोई आ गया है, लेकिन फिर उसके बाद 4.5 साल अंधेरा, तो क्या महसूस हुआ था? यही देखें, मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब के कत्ल के बाद हमें सिक्योरिटी रिस्क था, बट इंसान सोचता है कि शायद यही है कि आपको कोई असैसिनेट करने की कोशिश करेगा, मगर ये हमने नहीं कभी सोचा था कि अगवा भी कर सकते हैं और कि आपकी ज़िंदगी के 4.5 साल, मतलब ये जैसे हम स्कूल या यूनिवर्सिटी इतनी देर के लिए जाते हैं। तो मतलब पहले तो इंसान बहुत डर में होता है, ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है आपके साथ। मतलब मैं सोच रहा था चलें कार जैकिंग है, मगर वो जैसे उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे आज तक याद है, जब उसने मुड़ के मुझे कहा कि शहबाज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था इसको मेरा नाम कैसे पता है। और मैंने एक दिन पहले, मैं दुबई से लाहौर आ रहा था और मैंने जहाज़ पे वो फिल्म देखी माइटी हार्ट, डैनियल पर्ल की जो फिल्म थी। अच्छा, तो जब उससे मेरा नाम लिया है एकदम, मतलब हाँ, मुझे यही, मुझे उस वक्त कंफर्म हो गया था कि ये कोई रॉबरी नहीं है, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है। और बस उसके बाद मतलब इंसान इस तरह की चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं हो सकता, ना आपकी कोई ज़िंदगी की ट्रेनिंग है, ना कोई हमने स्कूल में ऐसी चीज़ देखी है, ना कॉलेज में देखी है, ना काम में हम देखते हैं। तो ये बस एक, मतलब मैं तो अपने, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को भी कभी ऐसी सजा ना दूँ। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपने किताब में लिख भी दी हैं जो वाकयात आप सब फेस करते रहे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि मेंटल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हुई, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है। आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी जहनी हालत नहीं रहती जब आप पे इतना तशद्दुद कि वो आपकी बॉडी में से गोश्त निकाल रहे हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र गुजार हूँ, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्रिया करूँ कम है, क्योंकि मुझे असल में कुरान ने, कुरान पाक ने बचाया,
मैं उसकी आयतों ने बचाया है। मैं अभी भी लोगों को बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि मैंने ना आयतुल कुर्सी पहनी है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। तो जब उनका कत्ल हुआ, मैं बड़ा सोचता था कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी था, एक गरीब औरत को सिर्फ कि उसको एक फ्री ट्रायल मिल जाए, यही कह रहा था, कोई उसने ऐसी बात नहीं की। तो अल्लाह ने उनको की हिफाजत नहीं की। तो मैं जब फिर बड़ी डीपली कुरान पढ़ रहा था, मैंने आयतुल कुर्सी के बारे में बड़ी खूबसूरत चीज़ पढ़ी थी कि हम, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ज़ईफ़ हैं, हमारी पहली चीज़ ये होती है कि अल्लाह हमारी जान और ये जिस्म जो दुनियाई हमारी चीज़ें उनकी हिफाजत करें। मगर आयतुल कुर्सी असल में आपके दिमाग, आपके दिल और आपकी रूह इसकी हिफाजत करती है। तो अगर आपने पढ़ी हो और आपके ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात आ जाए, जैसे आप अपनी जान खो जाए दुनियाई चीज़, तो आपको वो जो सारे फरिश्ते हैं वो आप सब वो आपकी आपकी रूह, आपके दिल और आपके दिमाग की हिफाजत करते हैं। तो जब लोग मेरे से कहते हैं कि आप मेंटली ये क्यों नहीं ब्रेक हुए, क्योंकि मैंने अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी थी। और के सिर्फ क्योंकि मुझे ये देखें, पहले कुछ दिनों में मुझे पता, और आपको ये भी समझ आएगा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नर पंजाब थे। वो एक आम, चलें एक हम कुछ कहते हैं कोई आम आदमी होता है, फिर कोई स्लाइटली प्रिविलेज होता है, कोई बिजनेस, वो तो गवर्नर थे। तो उनके पास सिक्योरिटी, कॉन्टैक्ट्स, मतलब प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं। मगर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुझे ठंड में मोज़ा भी दे सके या गर्मी में एक आधा, एक कतरा पानी का, ग्लास दूर की बात है, एक कतरा। इन वक्तों में आपको अल्लाह सुभान व तआला की जो ताकत है ना, जो उसके करामे का जो यही तो असल में है उनकी ताकत, जो इंसानी समझ से भी बाहर हुई चीज़ कि आप इतनी मुश्किलात में हैं, उस आप उस मुश्किल को सिर्फ अपने जहन से देखते हैं कि मैं इससे नहीं निकल सकता। मगर मतलब मूसा अलैहि सलाम के लिए तो अल्लाह ने समुंदर खोल दिया। हाँ, बनी इसराइल को फिरौन से बचाने के लिए समुंदर खोल दिया। तो हम तो फिर भी हम तो बिल्कुल अच्छा, ये मजहब से जो करीब हैं और फिर इसको डीपली समझने की कोशिश की, ये पहले से चल रहा था या फिर ये इस दौरान ज्यादा नहीं, ये देखें हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इधर पैदा होते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, फ्राइडे को नमाज के लिए जाते हैं, रोजे रखते हैं, यू नो, समझते नहीं है कौन डीपली इसको, मौलवी साहब से पढ़ी है, सिपारा ख़त्म किया, अम्मी ने ईदी दे दी, बिल्कुल ये मेजर निज़ाम जो है ना हमारे लोगों का ये। लेकिन जब मैं उधर था, वही होपलेसनेस की बात आती है कि कोई इंसान आपको जब तकलीफ़ से नहीं बचा सकता, और आप अल्लाह का, ये देखें कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह का लफ्ज़ है, ये किसी इंसान का लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह का लफ्ज़ है। तो वो हर आयत के अंदर ना शिफा है इंसान की रूह के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए। जब मैंने शुरू की, मैं इतनी मुश्किल और डार्क जगह में था, मैं क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं करता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, लेकिन मैं एक इस तरह की जगह पे आ गया था कि शायद मेरे साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत ही गुनाहगार और बहुत बुरा इंसान हूँ, वरना क्यों, अगर नहीं हूँ तो फिर ये क्यों इस तरह का कुछ होता है। मगर मैंने पढ़ा कि अल्लाह इम्तहान ना सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और जब वो इम्तहान कबूल कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से, तो वो और उनसे मोहब्बत करता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मुझे चुन के मोहब्बत की है कोई, मगर मैं मतलब इंसान होते हुए, अल्लाह का गुलाम होते हुए, मेरा तो काम है हाथ बढ़ाऊँ, पैर बढ़ाऊँ अल्लाह की तरफ, कोशिश करूँ। तो जब मैंने ये शुरू किया ना, जो मुझे इस रिलीफ मिली, और सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेंटल रिलीफ मिली, आपको ये भी समझना आएगा कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो इस ही किताब को मैनिपुलेट कर रहे थे, इन ही अल्लाह की आयतों को मैनिपुलेट कर रहे थे, मेरे पे सिर्फ जुल्म करने के नहीं, लेकिन मेरी पूरी आवाम, मतलब ये जो फिदाई हमलों के फतवे होते हैं, मस्जिदों में लोगों को मारने के फतवे होते हैं, या आपके मज़हब का कोई ना आदमी हो उसको मारने के, मज़हब अब तो छोड़ दें, गैर
इस्लाम से, मतलब कोई क्रिश्चियन और यहूदी या हिंदू को तो छोड़ दें, अब तो हम अपने मुसलमानों को भी नहीं हम माफ़ करते, हम तो उंगली ऐसे करने पे काटने के लिए तैयार हो गए, इतनी इंटॉलरेंस आ गई है हम लोगों के बीच। अच्छा, उन लोगों के दरमियान रहते हुए 4.5 साल बहुत अरसा होता है, वो कोशिश करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग करें, कहीं ना कहीं अपने साथ ढाल लें, और आपने मेंशन भी किया हुआ है कई जगहों पे कि उनका ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया था, वो कैसे? देखिए, उनका ट्रस्ट लेवल ये बिल्ड हुआ था कि ये भागेगा नहीं और ये हमें मारेगा नहीं। ये इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उनको मार के तो अपनी जान, मतलब वो मुझे एक सेकंड में, जो भी उनके साथी हैं या इलाके, मतलब मीर अली और मीरान शाह, इनके आप ऐसे समझें दो छोटे से शहर थे जो इनके कंप्लीट कंट्रोल में थे, उज़्बेकियों के नहीं, सारे ग्रुप्स के। तो ये सारे ग्रुप्स इंटरलिंक करके ही काम करते थे, तो एक बंदे को मार के एक ग्रुप का कैदी भाग रहा है और बाकी मदद ना करेंगे, तो ये तो इस वजह से वो सिक्योर थे। फिर बात आती है कि मुझे उन्होंने क्यों नहीं कन्वर्ट किया। आई थिंक पहली बात तो ये कि वो इतनी नफरत करते थे मेरे से, जिधर से हम आते हैं पाकिस्तान, ये उज़्बेक हैं, तो ये समझते थे कि देखें हम आए थे कुछ घोड़ों पे, बाबर आया था और जो मुग़ल हैं वो कहते हैं कि ये तुम लोगों का इनके से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये इन्होंने तुम्हें फतह किया था, तुम लोगों को तलवार तुम्हारी गर्दनों पे डाल के कलमे पढ़ाए थे, हम लोग तो उज़्बेक ही थे, ये उज़्बेक ही था ना बाबर। तो ये मतलब इनका एक बहुत मर्सनरी माइंडसेट था, कत्ल, गारत और इस सब कुछ के लिए इनके पास फतवे भी थे। तो कन्वर्ट मेरे से वो इतनी नफरत करते थे कि मुझे उन्होंने कुरान इसलिए नहीं दिया था कि ये तुम्हें सुकून देगा, सब्र देगा, अल्लाह का प्यार सिखाएगा, मतलब ये वजह नहीं थी। ये वजह थी कि ये देखो एक काफिर, और मुझे कभी किसी ने काफिर नहीं कहा। अच्छा, आपको काफिर कह दिया? हाँ, वो तो हमारा इस्लाम नहीं कबूल करते, वो तो कहते हैं कि देखें आप पाकिस्तानी हैं, आपने तो अपने आप को मुसलमान, आप तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो इस्लाम में तो मुल्क नहीं है। फिर वो कहते हैं आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, दोनों आपका कॉन्स्टिट्यूशन और हदूद ऑर्डिनेंस ये इंसानों ने बनाई है इंसानों पे हुक्मरानी करने के लिए, इसका अल्लाह का काम को भी नहीं मानते ना, कन्वर्सेशन हमारी शरिया को नहीं मानते, वो अपनी शरियत और को उनकी पूरा एक, हाँ, अपनी उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी कन्वर्सेशन हुई है कि इनको कन्विंस करने की कोशिश की हो आपने? वो देखें जो उनके आपको भी समझना होगा, जैसे इधर नवाज शरीफ इमरान खान को नहीं कन्विंस कर सकता, मगर नवाज शरीफ इमरान खान के सपोर्टर्स को छोएंगे पॉलिसी के थ्रू कन्वर्ट, इमरान खान भी ऐसे नवाज शरीफ के सपोर्टर्स को पॉलिसी के थ्रू कन्वर्ट कर सकता है। ये टॉप लेवल की गेम होती है, जो लो लेवल बंदे होते हैं ना वो फॉलो करते हैं। एक मेरी तरह का बंदा हो, जैसे जो कराची एयरपोर्ट पे इन्होंने हमला किया, 19 लड़के थे, 17 और 21 साल, उनका कमांडर जो उनको लीड कर रहा था वो सबसे बड़ा था 21 साल का, तो आप सोचें 17 साल के बच्चे जो होते हैं, वो बच्चा होता है, 18 पे तो हम मानते भी नहीं है उनको दुनिया में, बच्चे वो यंग है, बच्चा है, उसको स्कूल में होना होता है। अमेरिका में अगर आपको पकड़ा जाए 17-16 साल का बच्चा स्कूल में ना, इट्स अ क्राइम, पेरेंट्स हैव टू आंसर फॉर इट। तो आप सोचें 17 साल के बच्चे फिदाई जैकेट्स बांध के मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, कैसे ये हो कैसे सकता है? ये उनको इतनी डीप, मतलब मुझे याद है मेरी किडनैप, मेरे अगवागार जिसने मुझे अगवा किया था उसका नाम था मोहम्मद अली, मेरी उससे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि जब अल्लाह ने कहा है, ये कुरान में लिखा हुआ है कि इस किताब का जो लफ्ज़ है ना, अगर इसके खिलाफ तुम्हें कोई इंसान बताना भी चाहे कि नहीं नहीं ये ऐसे हो वो ये इस्लाम नहीं है, सही है ये नहीं है, तो जब आपको 2-3 हुक्म दिए हैं कुरान में, एक आप अपनी जान नहीं ले सकते, क्यों? ये नहीं कि ये एक आसान या रास्ता है, ये कि आपको वही सब्र की बात आती है, मोमिन की एक निशानी सब्र है, दर्द पे सब्र, बीमारी पे सब्र, जुल्म पे सब्र, कैद पे सफर, बेरोजगारी, हर चीज पे सब्र। अल्लाह कहता है सब्र सब्र सब्र, तो जो जान लेने की बात है, कहाँ गया आपका सब्र? कैसे आपने अपनी जान ले ली? जुल्म आप पे हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है जो साहबा पे हुआ था, क्या आप पे इतना जुल्म हो रहा है जो साहबा पे हो रहा? आप एक साहबा की मिसाल दे सकते हैं जब उन पे जुल्म हो रहा था तो उन्होंने अपनी जान ले ली, या अपने दुश्मन को दर्द पहुंचाने, वो जब ये आए थे मदीना, कुरैश लड़ने आए थे पहली जंग में,
तो कितने मुसलमान थे और कितने ये थे, तो क्यों इन्होंने फिदाई हमले नहीं किए? वो ताकतवर थे, वो अमीर थे, उनके पास बड़ी फौज थी, हर वही जो ये आजकल कहते हैं कि अमेरिका के पास जहाज है, टैंक है, तो ये हमें 14 साल के बच्चे ही हैं जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट से जाके फट सकते हैं। मगर अल्लाह ने कहा आप अपनी जान नहीं ले सकते। अल्लाह ने एक मुसलमान कैदी को कहा है कि जब तुम काफिर की कैद में हो सब्र करो, अगर तुम्हें वहां मौत आती है तुम शहीद हो, ये तो आप कैद में भी नहीं जान ले सकते। अल्लाह आपको कहता है औरत और बच्चे, अगर आप इधर तलवार होए आपको इधर, तब सिर्फ तुम दुश्मन औरत या बच्चे के हमला कर सकते हो, तो आप दुश्मन औरत बच्चे की जान नहीं ले सकते। आप अपनी जान लेना, इस एक आयत है जो कहती है कि अगर तुमने एक बेकसूर को मार दिया ना तो ऐसे तुमने इंसानियत को मार, पूरी इंसानियत का कत्ल। अच्छा, एक तो ये समझ आई कि उनका टारगेट कच्ची जहन के बच्चे होते हैं 16-17 साल के, ताकि उनको और छोटे 12-13 उनका दिमाग जो है वो कंट्रोल किया जा सके। 5 साल की उम्र के हिफ्ज किए हुए लड़के लड़कियां, मेरी किताब में एक कहानी है एक 3 या 4 साल की लड़की की, और उसका नाम था फातिमा, और वो मैं उसको उर्दू से, मैं जब उसके घर आया था तो वो 2 साल की थी, और जब तक ये कहानी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 3-4 के बीच होगी, और मैं फातिमा के साथ बैठा था, मैं उनको उर्दू सिखाता था, थोड़ी सी उज़्बेक सीखता था, थोड़ी सी पश्तो, हमारा एक बहुत प्यार था मेरा बच्चों के साथ, तो वो मुझे बाबूजी कहते थे, मैं उनका टीचर जैसे, वो उनको उर्दू से कहना, वो उज़्बेक बच्चे थे तो उनके लिए एक नई ज़ुबान थी, लिखने का भी तरीका फ़र्क था। तो उसने मुझे कहा कि बाबूजी मुझे आप डॉक्सन बना के दे। डॉक्सन होती है जो हम जिसको हाइलक्स कहते हैं, हाइलक्स नहीं होती है हमारी पिकअप, वो जो ट्रक से है। ठीक है, तो मैं वो बनाया, वो कुछ और कर रही थी, मैंने उसके लिए ट्रक बनाई, पहिए बनाए, फिर मैंने उसको पिंक रंग का कलर किया और फूल, दरवाज़ा जो होता है उस पर फूल बनाया। तो जब मैं फूल बना रहा था ना तो उसने मुड़ा और उसने देखा, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे, मेरी 6 साल की बेटी है, मेरा 1 साल का बेटा है, तो मेरी बेटी को गुस्सा भी चढ़ता है, हंसती भी है, उदास भी होती है, मैंने उसकी पूरी वेरियंस इमोशंस देखी हुई है, लेकिन मैंने कभी उसकी शक्ल पे रेज समझती है, एक ऐसा अनकंट्रोलेबल गुस्सा जिसमें आप किसी एक और आदमी की जान भी ले सकते हो, एक 3 साल की बच्ची की शक्ल पे ऐसा गुस्सा ही इंसान नहीं समझ सकता कि आया किधर से। और प्यारी बच्ची, मुझे पहले तो कभी नहीं, किस बात पे आ गया था? उसने कहा कि कौन मुझे सीरियसली लेगा जब मैं फिदाई हमला करने जाऊंगी, आपने मेरी डॉक्सन के ऊपर फूल बनाया। ओह माय गॉड, ये एक 3 साल मेरी, हम 3 साल के बच्चों के लिए कहते हैं उनकी पूरी जिंदगी है, किंडरगार्टन भेजे, मॉन्टेसरी भेजे, पूरी जिंदगी उनके सामने, और ये 3 साल की बच्ची, अब इसकी जिंदगी इसके सामने नहीं है, इसके सामने इस ये आखिरत पहुंचने का जितना जल्दी, मतलब इनको ये बेचा गया है, ये समझाया गया है कि ये है। 4-5 साल पे वो कहती है मुझे, ये बड़ी एक खौफनाक बात इस पूरे इंटरव्यू में मुझे आपकी लगी है, और ये मुझे बिल्कुल शॉक लगा है ये बात सुन के। एनीवेज, एक जो सिलसिला था आपकी वालदा के साथ कन्वर्सेशन का ड्यूरिंग दिस सारे सिचुएशन, इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो ना, जब माँ रोती हुई सामने आती है ना, जब पता चलता है कि मेरी वजह से माँ को कितनी तकलीफ होगी, ये तो इंसान टूट जाता है। नहीं नहीं, मैं ये टाइम लैप्सेस भेजे जाते थे, आपने कुछ जगहों पे मेंशन किया वालदा को। मेरे लिए ये जो है ना, 2-3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल चीज़ें, ये किडनैपिंग नहीं है। एक मेरे वालिद साहब का जो कत्ल हुआ था, वो मैंने अपनी वालदा अपने ख़ानदान को वो खबर बताई, कन्फर्मेशन उसकी बताई, ये बहुत एक मतलब एक बेटे के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वो इस तरह कोई नेचुरल रीज़न हो आदमी उस पर समझ सकता है, मगर जैसे वो गए, जैसे उनके खिलाफ झूठ बोले गए, उनके एक गंदी एटमॉस्फेयर क्रिएट की, फॉर नो रीज़न, वो एक चोट, एक ज़ख्म ऐसा होता है वो हील कभी भी नहीं होता। लोगों के लिए गवर्नर थे, लोगों ने, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बू थे बेशक। एक ये, और एक ये जो आप कह रही हैं मेरी वालदा के लिए, मुझे उनसे जब फ़ोन पे बात करनी होती थी, उनको जो ये वीडियोस आती थी, ये मैं आज तक, मैं कभी भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ मेरी एक ही होती है कि वालदा ने तो कह दिया कि माफ़ किया, दफ़ा हो जाओ। अच्छा। तुम आ गए हो जिंदा वापस, मतलब वालदा वो तो इतना प्यार करती हैं, उनके लिए खुद इतना मुश्किल था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं इस बात पे कभी मार कि मैं ऐसी सिचुएशन में था जहाँ इस औरत को ऐसी वीडियोस भेजनी गई,
मुझे आप सोचें मेरे लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग था जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, जो मेरी मेरे जिस्म से आवाज़ें चीखें और दर्द और मतलब मैं चीखें मार के अल्लाह से कहता था बस मेरी जान ले लो, मेरी मुझे बस देख क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। और फिर के मेरी अम्मी को बैठ के हर सेकंड उसका देख के इन लोगों को वापस रिपोर्ट, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं बहुत बहुत लकी आदमी हूँ कि मेरी जो अम्मी है, मेरी जो वालदा हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग चलें, हालात ने भी हमें ज़िंदगी ने कार्ड्स ऐसे दिए कि हम सबको कुछ को छोटी उम्र पे, कुछ को बड़ी उम्र पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। मगर जो उनका दिल है ना, माँ का जो एक वो कहते हैं ना प्यार, वो मैंने ब्लाइंड जो प्यार है ना, दो तीन मेरी किताब में भी इंसिडेंट्स हैं मैंने अपनी अम्मी के साथ। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी वजह थी ना जहाँ मैंने कभी होप नहीं लूज़ की, तो एक तो मेरा अल्लाह पे और जो यकीन है कि जो भी होएगा मेरी बेहतरी के लिए होएगा। और ये एक ऐसी तवक्कुल करना है, इस तरह की चीज़ है, आप गलत नहीं हो सकते, सही है। आप फेल होना और जीतने को गलत और सही से कंफ्यूज ना करें। आप सही होके भी फेल हो सकते हैं और आप गलत होके जीत भी सकते हैं जी। मगर इस तवक्कुल के अलावा जो मेरी अम्मी ने कभी एक सेकंड मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि मैं घर नहीं आऊँगा, चाहे उन्होंने मेरे सर पे बंदूक रखी हुई और मेरी अम्मी को कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे इसकी बॉडी कहाँ से उठानी है। मेरी अम्मी कह रही थी शबाज मैंने तुम्हारी जान अल्लाह के हाथ में छोड़ी है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, कभी वालदा ने ये कोशिश की हो कि जाके किसी से कहा हो कि भाई जो मांग रहे हैं दे दो, बेशक कि वो बहुत बड़ी रकम थी। देखें कौन देगा, मैं वही बात आती है ना, मेरी डिमांड पाकिस्तान की हुकूमत से थी, सिक्योरिटी एजेंसी थी, फौज से थी। जब आप कहते हैं डिमांड, उनकी डिमांड थी उस वक्त 4 अरब रुपए, डॉलर 86 पे था, तो ये कुछ 60 मिलियन डॉलर बनता था। कौन सी हुकूमत एक टेररिस्ट ग्रुप को 650 मिलियन डॉलर देती है? वो क्या करेंगे उससे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, ऐशी करेंगे, लंदन जाएंगे, शॉपिंग करेंगे? नहीं, उनके ये शौक नहीं है। और वो ना पैसा इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इससे वेपनरी लेते हैं और हमको हमला करते हैं। और हमारी सोसाइटीज़, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे हस्पतालों को भी नहीं छोड़ते। तो एक जान, एक आदमी की जान, एक आवाम के ऊपर दहशत, एक आवाम को टू हैव दिस काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, ये वैल्यू नहीं है। अच्छा, कोई हुकूमत ये वैल्यू नहीं। इस चीज को वालदा समझ गई थी, नहीं कर रही थी, वो नहीं समझी थी, लेकिन मैं समझ गया था बहुत जल्दी। इस वजह से मैं सिर्फ दो चीज़ों के लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। एक कि ये कोई तावुन ये जो है ना, ये फेल हो गया, शुक्र है ये फेल हुआ, क्योंकि ये अगर कोई किस्म का पैसा एक्सचेंज होता ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शहरों पे इस्तेमाल होता है। और बाय द वे, अगर कोई ये समझता है ना कि ये फॉर एग्जांपल ये पैसा लेके फौजियों से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो सब वो कहते हैं हर जगह, एक बच्चा, एक फिदाई स्कूल भेजो, स्कूल में मारो इनके बच्चों को, मारो एक इनके औरतों की कहीं मस्जिद मिल जाए उधर मारो इनको, इनको आपको कोई अच्छी मस्जिद मिले जहाँ आपको पता है जुम्मे के दिन 300-400 बंदा, 1000 बंदा इकट्ठा हो, तो उधर मारो इनको, कॉलेजेस इनके मारो, फिर इनके चेक पोस्ट में मारो, चेक पोस्ट मून मार्केट में, मतलब मार्केट्स में इनको मारो, शॉपिंग मॉल में उड़ा दो। मैं कहता हूँ आप कोई जगह में आप सेफ नहीं है। तो एक तो ये मेरा अल्लाह ने मेरे पर रहम किया है कि मेरी वजह से या कोई ऐसे पैसे एक्सचेंज की वजह से, क्योंकि ये एक ओवरवेलमिंग गिल्ट है, कोई हमला हो, कोई ये हो, आप कहें यार मगर पैसे हमने, एक मेरी जान, मेरी जान के लिए ये हुआ। और दूसरी चीज़ जो मेरे वालिद साहब का कातिल था, वो इस वो उनके 25 बड़े हाई रैंकिंग बंदे थे और एक ये, और मैं हमेशा ये कहता था कि मैं पता, आप वो मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, मैं अल्लाह ने बहुत मुझे ब्लेस किया, मगर अगर मैं एक ऐसी लाइन वॉक करता जहाँ मेरे वालिद का कातिल इस तरफ अपनी आज़ादी पे आता और मुझे इस दुनिया में एक और चांस मिलता, तो शायद मैं ये आदमी ना होता जो आपके सामने बैठा है। तो अल्लाह ने सिर्फ मेरे पे रहम नहीं, ये नहीं कि मेरे पे रहम किया, मेरी मुझे
मेरे सब्र पे मुझे आसानी भी दी है, मेरी आंखों को ठंडक भी दी है। ब्लेस्ड हैं आप बहुत, क्योंकि इस तरह की कंडीशन से वापस आना ये नामुमकिन है। अच्छा, कभी एहसास होता है, क्योंकि बहुत से और भी लोग हैं जो इसी तरह से कैद हैं, कभी सोचा हो कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, जैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और बहुत से मिसिंग पर्सन हैं? हम क्या कर सकते हैं किसी भी मिसिंग पर्सन के लिए? इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली उनके दायरे का काम है और उनके अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा भाई भी अगवा हो जाए, मेरा छोटा भाई अगवा हो जाए, तो मिलिट्री, ISI, MI, ये जो आपके इदारे हैं, ये बैठ के बताएंगे कि एक्स वाई जी बात करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आएगी, ये ABC को मिल सकती है और किसी को नहीं। ये अमाउंट है जो आप दे सकते हैं, इससे एक रुपया ऊपर नहीं जाएगा, कम कर सकते हैं तो सही है, बंदे हम एक्सचेंज करेंगे, पैसे ज़्यादा ना हुए तो बेहतर है। और रैंक की भी बहुत बात है, कल आप हमें कहें उसामा बिन लादेन को दें एक ब्यूरोक्रेट के बेटे के लिए, नहीं। अगर आप हमें कहें कि कोई हाई रैंकिंग तालिबान कमांडर दें एक आम आदमी जिसको किडनैप किया है, जिसके लिए 3-4 करोड़ रुपए मांगे, नहीं। अच्छा, जब हमने देखा कि अमेरिका वहाँ से निकला, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान ने बहुत रोल प्ले किया, और हमें ये एक, हम कहते हैं कि हम गुमान कर रहे थे कि ये बड़े असला छोड़ के पीस के लिए यहाँ आएंगे, और हमने उनके लिए अपने दिल भी जो है वो ओपन कर दिए, दरवाज़े भी खोल दिए, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप उन लोगों में रहें? देखें, बड़ा ज़रूरी है एक बात समझना, अफ़गानी तालिबान जो है ना, वो एक ग्रुप नहीं है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वो एक हुकूमत है, वो मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। अमेरिका भाग के नहीं गया, वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि वो काबुल में के अलावा और एक दो बेसिस के अलावा उनके कहीं खुद पावर नहीं थी। उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं एक फेक गवर्नमेंट, उसकी एक फेक आर्मी, और उसको आम करने में, जो 3 या 4 दिन में आपने देखा गायब हो गए सारे के सारे। तो ये बड़ी ये एक हकूमत है, हम इसको ग्रुप की तरह नहीं दे सकते। अब वो कैसे लोग हैं, उनके पास असला है, वो शिद्दत पसंद हैं, वो क्या है, पहली बात, 1970 पता नहीं 5 या 6 से अफगानी अवाम हैज़ बिन अंडर वॉर, चाहे वो रशिया था या वो अमेरिका था। कभी किसी ने पूछा है उस अवाम जिसको इस तरह बम्बार करके आपने वहाँ, मैं कहता हूँ कि एक मैं आपको कहानी बताऊँ, पाकिस्तान से बम्बार होके अफगानिस्तान गए थे, तो वो सारे सजदा में पड़े थे कि बच के 7 दिन लगे थे हमें पहुँचने। तो जो हमारा तालिबान गाइड था ना अफगानी, वो हंस के उसने पश्तों में उनसे कहा, इधर तो कुत्ता भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोता, तो तुम लोग सजदा किस चीज़ की कर रहे हो? वो इतनी ख़तरनाक और इतनी, मतलब मैं कुछ जगह होती थी हम जा रहे होते थे और मैंने एक पहाड़, आप हम पाकिस्तानी आपको सही पहाड़ और माउंटेन और हिल में फ़र्क आप समझते हैं, मैं आपको पहाड़ बता रहा हूँ। और वो पहाड़ जो था ना, जब हम उसको गाड़ी इस तरह करके आई, वो इधर था और हम एक और पहाड़ की साइड से जा रहे थे, तो जब मैंने उसकी ये वाली साइड देखी है ना, इधर एक क्रेसेंट जैसे एक परफेक्टली एक मशीन आई है जिसने पहाड़ को इस तरह चांद की तरह काट दिया। वो बेसिकली बमबारी थी, उस पहाड़ पे जंग लड़ी गई थी। तो आप सोचें कैसा असला उधर इस्तेमाल हुआ है इन लोगों पे। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, एक तालिबान को मारने के लिए पूरा गांव डुबाना होता है, वो तो गांव में छुपा होता है ना, तो उधर औरतें बच्चे बुजुर्ग सब मरते हैं। 1975 से 7th या 8th जनरेशन आपकी वायलेंस में पैदा हुई है और सिर्फ वायलेंस जानती है ना, इनकी कोई रिहेबिलिटेशन की बात करता है, इनके ऊपर सैंक्शंस डाल दिए, इनको बेसिक मेडिसिन नहीं मिलती, वो क्या करेंगे? यही रेज ज्यादा होता है, रेज हेट्रेड ब्रीड्स मोर हेट्रेड। एक खातून थी, ये लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल पे उनके साथ बैठा था, वो पाकिस्तानी नहीं थी, तो अगर कोई समझे कि मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ या पाकिस्तानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, अगर कोई ये समझता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आपको ये भी नहीं कह रहा आप उनको जाके झप्पी डालें, मगर उनसे लड़ के क्या मिला? कुछ भी नहीं, सवाए पूरा रीजन ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और ये सेंट्रल एशिया को अफेक्ट करता है जहाँ केओस है, एक पूरा मुल्क है जिधर 30-40 मिलियन लोग रहते हैं जो तालिबान की हुकूमत के नीचे हैं और किसी को पता नहीं करना क्या।
तो ये खातून जो हैं ये अमेरिकन हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, इट्स कॉल्ड होम लैंड एंड वेरी एम्बैरस्ड दैट आई फॉरगॉट माय फुल नेम, हर नेम इज़ कार्ला पाओ, फैंटास्टिक ऑथर। उसके अंदर ना वो गई हैं इराक में और उन्होंने जो दौलत उल इस्लाम या आइसिस है इनके जो फाइटर की अम्मियाँ हैं ना उनका इंटरव्यू किया है, सिर्फ समझने के लिए कि ये इनकी इंसानियत कहाँ खोई गई थी कि ये, और आपको पता चलता है कितने ज़्यादा लोग हैं जो गलती से आ जाते हैं, 90% गलती से आते हैं। हाँ मैं गलती में भी करूं तो कंप्लेसेंट हूं, मुझे कोई क्लैशन कॉफ दे के मेरी 13 साल की लड़की से शादी करा के मुझे संगर भेज देंगे, जैसे ही मैंने फायर मारा मैं कंप्लेसेंट हो गया, जैसे ही मैंने वो क्लैशन कॉफ ले ली और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया मैं कंप्लेसेंट हो चुका। बहुत ज्यादा क्राइम्स में मेरी मॉरालिटी अब बैकवर्ड जा रही है। ये लोग 8 जनरेशन से अफगानिस्तान में इस जगह में फंसे हुए, अगर हम इनसे लड़ते रहेंगे ये भी लड़ते रहेंगे। आप मतलब वो लोग कहते हैं इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं क्योंकि वो बेचारा यही कहता है कि इनसे कोई नहीं लड़ सकता, रशिया को जिसने हराया है उससे अमेरिका भी हारेगा एंड में, वो चले गए और हम भी हारेंगे ऑफ कोर्स। हम इनसे लड़ ही नहीं सकते, हमारी असल में ना अवाम और ये इस तरह हुए हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मैं जिसने मुझे मेरी मदद की वापस आने में वो एक अफगान तालिबान था, उससे मैंने एक बार 2-3 चीज़ें पूछी, मैंने कहा यार तुम लोग जो वो अफगानी तालिबान क्यों नहीं हमले करते पाकिस्तान में, तो वो हंसता था, वो कहता है तुम्हें पता है जब अमेरिकन आए थे 2001 में 9/11 के बाद, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना उन्होंने कराची से $1 million उस वक्त चंदे में कलेक्ट किया, वो भी कहता है इस अवाम ने इतना हमें दिया तो हम क्यों, जो वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में यू नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, हाँ जो जिस जो हाथ आपको खिलाता है उसको काटो मत, सही है। तो ये हमारी अवाम के बारे में एक उनकी, अगर एक मिलिटेंट एक फाइटर ये सोच रहा है तो उनकी सीनियर लीडरशिप की है। और दूसरा वो जो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि हम अगवा और इसमें यकीन नहीं करते पाकिस्तानी लोगों का, अच्छा। तो हम तो कभी भी ना करें क्योंकि मतलब, तो अच्छा फिर 1 million रेफ्यूजीज आपके बॉर्डर पे रहते हैं। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, उसने भी यही बात की कि सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी पाकिस्तान में अभी भी इस अमेरिका के जाने के बाद तकरीबन पता नहीं 1 लाख अफगानी, 1 लाख था या 7 लाख था, मुझे गलत बात नहीं मैं कहना चाहता, मगर वो उधर से वो तालिबान से भाग के आए, पहले आए थे जंग से रशिया से भाग के, फिर अमेरिका से भाग के, अब तालिबान, मगर जो भी भाग के आपके पास है वो तो रेफ्यूजी है, हमने उनको संभालना बना लेने आए, कहाँ हम इनको रखेंगे मिलियन लोगों को अगर उधर जाके जंग करेंगे इनको मारना शुरू करेंगे, तो हम चेकमेट हुए हैं पाकिस्तान। अब एक होता है हार मान लेना, एक होना है मैं कुछ नहीं करता इसको चलने दो, एक होता है सोल्यूशन। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग चीज़ इस तरह है, हम सोल्यूशन बेस्ड लोग हैं, हमारा ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग किताब लिखना भी नहीं है, टॉर्चर सर्वाइव करना भी नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे ना तो आपका मुल्क कंज्यूम हो जाएगा इस प्रॉब्लम में। सो व्हाट डू यू थिंक सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी अपनी आवाम को सीरियसली लें। इधर जो है रोडे और अंडरपास ज़्यादा बनते हैं, सही है, स्कूल कोई नहीं बनता। ठीक, आपके जितने अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो एक बंदे ने बड़े, मैं मोहित पीरजादा साहब के साथ, मोहित यूसुफ साहब के साथ एक पैनल पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जब तक आप अमीरों के बच्चे जाते थे पब्लिक स्कूल तब पब्लिक स्कूल अच्छी जगह होती थी, जैसे ही आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल गए पब्लिक स्कूल की कोई वैल्यू नहीं रही, जब हम सारे हस्पताल पब्लिक हस्पताल जाते थे इलाज करने तब पब्लिक हस्पताल की वैल्यू थी, जब एलीट के प्राइवेट हस्पताल खुले तो हमारे हस्पताल ख़त्म हो गए। पूरी 400 साल से हम जीटी रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, मुगलों ने भी इस्तेमाल की, ब्रिटानिया ने भी इस्तेमाल की, कायदे आजम ने भी इस्तेमाल की, फिर आपने मोटरवे बना दिया 120 फैंसी गाड़ियों के लिए, किसी ने आज तक जीटी रोड को देखा नहीं, ना हाथ लगाया, अपनी वो ख़त्म हो गई। उधर आपके शहर हैं, सब्सिडरीज हैं, आर्टरीज हैं, एक्चुअल फंक्शनिंग लोग थे, अवामें थी, उनको आपने देखा नहीं, इधर आपने जाके खरबों रुपये डुबो दिए एक मोटरवे बनाने में, अभी भी कहते हैं नवाज शरीफ साहब का बड़ा एहसान है हमारे पे मोटरवे बना दें। ये माइंडसेट जो है ना आपका, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपके पास 220 मिलियन लोग हैं और आप 70-80% इलिटरेसी में जा रहे हैं, और ये आपके बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा और लिखे पढ़ लिख के कोई सेंसिबल, वो आपको पता है ना वो इस्लाम में, मैंने बड़ी सॉरी मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता है
अल्लाह को हमारी ये इंसान क्यों पसंद है? क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी थी. हम वो वाहिद क्रिएशन है जिसको फ्री विल दी थी, वरना फरिश्तों का एक ही काम है और वो है अल्लाह की ना तस्बीह ना इबादत करना. राइट, हमें फ्री विल दी थी, करो या ना करो. मगर चॉइस जो होती है ना, आप कहीं भी देखें चॉइस के पीछे क्या होता है, वो कहते हैं ऑलवेज मेक एन एजुकेटेड डिसीजन. और कत्ल के ऊपर ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुरान का हुक्म है, अगर कोई मेरे भाई को मारता है ना, तो मेरे पास क्या दो चॉइसेस हैं? माफ कर दो या बदला आप ले कैसे एक अभी मैं अगर अभी कोई मेरा भाई दूसरे कमरे में उसको आके मारे, मैं कैसे उस आदमी को माफ कर सकता हूँ? आप सिर्फ सबर 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 वक्त उस खुद जान नहीं ले सिस्टम को आपने सरेंडर किया, ये मेरे भाई का कातिल है. फिर सिस्टम ने एक अपनी प्रोसेस की, आप इस पूरा वक्त सबर कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं, फिर आपको सिस्टम ने कहा आपके पास ये दो चॉइसेस हैं. जब इंसान सबर करके पढ़ा लिखा हो, समझे कि मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे मेरे साथ कैसा जुल्म हुआ है, एक तरीका होता है हर चीज करने का, तो आप एजुकेटेड चॉइस ले सकते हैं. तो ये इसलिए अल्लाह ने आपको बनाया. तो ये मैं आपको, ये आपकी बेसिक सोल्यूशन है. अपने बच्चों को खुदा के लिए भूखा और अनएजुकेटेड ना छोड़ें. ये हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये मैं शायद लोग कहें कि ये देखो ये तो मतलब अमीर आदमी इस तरह की बात कर रहा है, मगर ये खुदा की कसम ये अमीर आदमी का भी काम नहीं है. ये जो हमारे इधर बैठे हुए हैं ना पॉलिसी मेकर, जो फ्री जिंदगियाँ रहते हैं, जिन्होंने कभी बिल नहीं पे किया, जो चाहे उनका पेट्रोल होए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी होए, उनके चलने का सिस्टम होए, जो लोग उनको उनको खाना देते हैं पीते हैं, जो वो खाना खाते हैं, जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, हर चीज़ उनकी फ्री है हमारे टैक्स पे. जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट बताया कि आपको एजुकेशनल डिसीजन बनाना जो है वो लेने की तरफ आना होगा. अच्छा, अगर हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और आपका जो लॉस्ट टू द वर्ल्ड उसकी एंडिंग है, आप वापस आए, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कितना आसान था, किस किस ने हेल्प आउट किया और कैसे मैनेज किया खुद को, कंपोज कैसे किया? देखें इजी नहीं है. जब आपकी जो ज़िंदगी आप समझते हैं, जब आप वो आप खो जाएं उसे, और मैं जैसे जेल में था, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ ही मेरी ज़िंदगी की याद, मतलब जो मेरी पिछली ज़िंदगी थी उसकी यादें थी. वो आप डील नहीं कर सकते. ज़मीन पे बंदा कैसे सोए जब मोल्टीफोम का बिस्तर याद आए, या भूखा कैसे रहे जब मैकडोनल्ड्स याद आए, या वो डस्टबिन में कैसे बाथरूम इस्तेमाल करे जब घर पे आपके ये चीज़ें. तो ये आपके लिए एक ओवरवेलमिंग बर्डन बन जाता है. तो जब मैं वापस आया, ऑब्वियसली मेरे लिए एक बिस्तर में सोना बहुत मुश्किल था. मुझे पहले फर्श पे, फिर उन्होंने मेरे बिस्तर के अंदर एक बैम्बू की शीट लगाई, जाके मुझे वो ज़मीन की जो वो होती है वो फीलिंग आए. फिर आप मेडिकली, मतलब मेरा यू नो एक दो मसले हुए हैं स्टार्वेशन की वजह से, टॉर्चर की वजह से, मैल, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी ऐसे लफ्ज भी यूज़ करूँगा टू डिस्क्राइब माई सेल्फ. मगर होते हैं, आपको इश्यूज आते हैं, मगर वही है ना, आप चाहते क्या हैं? मैं एक खुश और फुलफिल्ड ज़िंदगी रहना चाहता हूँ, हैप्पी. राइट, मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, और सबसे बड़ी नेमत इज़ अ सेकंड चांस. इस मैं आपको बता नहीं सकता. आपने एक सवाल किया था, जो लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे होते हैं, कुछ एक साल के लिए, कुछ एक दिन के लिए, कुछ 20 साल के लिए, कुछ 30 साल के, आपको पता नहीं होता लोगों के, ये जो जेल होता है ना, ये इंसान के लिए क्या है, इंसान जेल के लिए नहीं है, चेंज हो जाता है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है. अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इट्स अप टू यू, आप आंसर करना चाहें या ना. जब आप नहीं थे यहाँ पे, गुम थे, तो आपकी जो वाइफ थी उस टाइम की, उन्होंने बहुत कैंपेन चलाई, और फिर जब वापसी हुई तो सब ठीक था, लेकिन एकदम से सेपरेशन, फिर एक नई शादी, क्या ये जो एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो वजह थी, क्या वजह बनी? नहीं देखें, पहली बात तो आई डोंट हैव एनीथिंग बैड टू से अबाउट एनीवन, बट जो नेचुरल जो सच होता है ना, वो ये होता है कि कभी कभार यू जस्ट ग्रो अपार्ट, पीपल ग्रो अपार्ट, दे वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट हैपेंड. Nothing else. Even yes, I am married again. I have मेरा बेटा भी है शावेज. But ये भी एक natural process होता है moving on in life. तो it's for me, it's you know, I have a lot of respect. मैं बड़ा respect करता हूँ हर आदमी के लिए जिसने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा चाहा है. क्योंकि मैं हमेशा ये बात लोगों को बताता हूँ कि मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, मेरी इंसानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ. ये मेरा एक यकीन है कि लोगों ने ना साफ दिल से मेरे लिए दुआ मांगी थी कि शायद ये बेकसूर है, इसके वालिद साहब ने भी कुछ नहीं किया,
अल्लाह इस पर रहम करे, शायद यही एक वजह होगी मैं आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ। तो मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, इंसान नॉर्मल, हर वक्त पीपल ग्रो अपार्ट, दे गो देयर डिफरेंट वेज। आई हैव नथिंग, आई एम रेजिंग अ डॉटर सरीना, ब्यूटीफुल डॉटर, एंड बस दैट्स इट। चल एनीवेज, मैं इसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहती, लेकिन यही जानना चाहती कि क्या वो टाइम जो था उसका इम्पेक्ट आया कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ पे भी? नहीं, देखें बाकी तो सारी रिलेशनशिप्स हैं, एवरीवन्स फ्रेंड्स विद एवरीवन, यू नो आई हैव द सेम फ्रेंड्स दैट आई हैव हैड सिंस आई वाज अ किड। यू नो मेरा छोटा भाई मुझे थोड़ा तंग करता है, बट उसके अलावा बाकी सारे लाइन में रहते हैं, सो इट्स गुड। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि कहीं वालिद के नक्शे कदम पर चलकर आगे सियासत में भी जाने का इरादा है या? ये बाय द वे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है मेरे अब्बू के बारे में, मैं और मेरा भाई इस पे बड़ा आर्ग्यू करते हैं। वो ये समझता है कि उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है। आई थिंक एक्चुअली शहरयार उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को फॉलो करेगा। मैं और मेरी वालदा बहुत इस बात को यकीन करते हैं कि उनकी बिजनेस लेगेसी जो थी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी, हाँ ऑब्वियसली आप कभी भी उनकी जो सैक्रिफाइस थी उसको नहीं कंपेयर कर सकते, मगर जो उनकी बिजनेस लेगेसी थी, पाकिस्तानियों को अभी पता भी नहीं है सलमान तासीर की कहानी। अच्छा, वर्ल्ड, चाहे वो आप वर्ल्ड कॉल को लें, उन्होंने 100-200 रुपए में हर घर में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आपको इंटरनेट और टीवी दिया। उस वक्त पे जब लोग कहते थे क्यों, ये गरीब लोग हैं, इनको इंटरनेट और टीवी की समझ ही नहीं है, आप बैंक्रप्ट हो जाएंगे, एंड ही मेड अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। सो ही वाज अ फैंटास्टिक, वेरी इनोवेटिव बिजनेसमैन। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि ही डिड इट बाय हिमसेल्फ, वो किसी अमीर बाप की औलाद नहीं थे। वो 6 साल की उम्र के थे जब उनके वालिद साहब फौत हो गए। उनके वालिद साहब एक प्रोफेसर थे और एक राइटर थे। मेरे अबू ने अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, यू नो, कि मैं अच्छी ज़िंदगी रह सकूं। जी। मगर जो उन्होंने अचीव किया वो उनसे कोई नहीं, वो उनकी अपनी अचीवमेंट्स थी, हिज बिजनेस अचीवमेंट्स। आज भी आप पाकिस्तान के किसी बैंक में चले जाएँ, आप पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन से मिल लें, किसी इंडस्ट्री, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे अबू वालिद साहब, आपको हर आदमी कहेगा हमने ऐसा बिजनेसमैन और ऐसा माइंड नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आई थिंक सब चीज़ें कवर हो गई हैं। और वो जो एक मुझे पॉइंट याद आ रहा था कि एक खातून ने आपकी मदद की थी, वो काफ़ी दफ़ा आप डिस्कस भी कर चुके हैं, मेरा ख्याल है लास्ट पे एक मैसेज दे दें और वो वाकया बता दें, फिर हम वाइंड अप की तरफ। तो वो मेरी एक्चुअली किडनैपर की मदर इन लॉ थी। उनको मैं उनको सब उनको आया जान कहते थे, मैं भी आया जान कहता था। दादी थी वो बच्चे जिनको मैं आपको बता रहा था पढ़ाता था। उसने मेरे पे रहम किया, उसने जब मेरा टॉर्चर बहुत एक्सट्रीम था, ये मेरे जिस्म के अंदर से फ्लैश निकालते थे, तो आप समझती हैं पर्दा और पर्दे की शरियाई हुक्म जो होते हैं वो उधर बहुत एक्सट्रीम फॉर्म होता है। उधर तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मामू भी नामहरम होता है, इतना सख्त। अच्छा। पर्दा है, और कभी भी आदमी के सामने एक औरत नहीं आ सकती। तो इस खातून ने वो पूरा बैरियर तोड़ के, सिर्फ ये नहीं कि उसने पर्दा और मतलब मर्दों के सामने इतने गुस्से से आ रही है कि उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मगर कि वो अब हुक्म दे रही है कि इसको हाथ नहीं लगाएगा, मेरा घर है, वो क्लेम घर भी क्लेम कर रही है। तो ये भी मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, उस औरत ने मेरे पे रहम किया, उसके बच्चों ने मेरे पे रहम किया, उन्होंने मुझे मेरी इंसानियत याद दिलाई। मैं भूल चुका था, मैं बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक जानवर की तरह एक पिंजरे में, मतलब मुझे पागल और करने की कोशिश कर रहे थे और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो कहते हैं ना कि चाहे जितना अंधेरा हो और जितना मुश्किल हो सफ़र, थोड़ी सी वो अल्लाह ने ये इनको आप ऐसे समझे मेरे लिए रोशनी, एक मतलब एक उसकी तरह से मेरे लिए पता नहीं मैं उस कैसे आपको समझाऊँ। वो इतना मैं लोनली था उस वक्त, और इतना मैं कहानी अभी आजकल वो, क्योंकि मैं LLF बोल रहा था कि जब वो बच्चे ने ना, मैं जब इनके घर में आया, 1-2 साल हो गए थे मुझे उधर, तो वो बच्चा हंसा है ना, उसने कुछ किया है तो मैं हंसा हूँ। जब मैंने मुझे मुस्कुराहट मेरे मुंह पे एक एलियन चीज़ लग गई थी कि ये मैं तो मतलब मुझे हंसना भी कभी चाहिए, यू नो, मैं इतना डाउन हो चुका था एज अ पर्सन। तो इन्होंने सिर्फ मेरा टॉर्चर नहीं रोका, लेकिन मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने दे गेव मी लाइफ अगेन। और जब आप इंसानियत देखते हैं और आप
रहम देखते हैं तो आपको भी इंसानियत याद आती है और थोड़ा सा शायद अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने का मायना भी समझ आता है। तो ये उनका, उस औरत का मेरे बहुत रहम था। बहुत ज़बरदस्त लास्ट मैसेज आज की यूथ के लिए, जब हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर में रह रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, पहले शायद जो आप जहाँ से होके आए वहाँ पे अगर तलवार से लड़ते हैं, तो आज हम हाथ से कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं। हाँ नहीं, देखें मैं आपको, मैं यंग लोगों को ये हमेशा कहूँगा, ये चाहे वो इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, आप ये इनका मतलब आप इस तरह ना कभी किसी को फॉलो करें कि ये गलत नहीं हो सकते। वो इंसान हैं और वो नॉर्मल लोग हैं और वो आपसे शायद ज़्यादा गलत हों। तो पॉलिसी को हमेशा क्वेश्चन करो, हर बंदे को क्वेश्चन करो, स्पेशली जिसको आप पसंद करते हो। और आप, आपका काम लोगों को पसंद करना नहीं है, आपका काम है उनसे काम कराना। वो आप सोच नहीं सकते कैसे बेनिफिट्स पे बैठे हुए, कैसे वो उनकी ज़िंदगी हैं आपके वोटों की वजह से। और आपका बहुत वोट की बड़ी अहमियत होती है। बड़े लोग हैं आपसे पहले जो इस मुल्क में अपनी जानें खो चुके हैं, सो यू हैव अ राइट टू वोट। डोंट फॉरगेट दोज पीपल सैक्रिफाइसेस एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैंने जो पहले एक आपको बात की थी, कोई आदमी आपसे ज़रूरी नहीं है, आप सबसे ज़रूरी हैं। एजुकेट योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर फैमिली एंड देन लुक एट दीज पीपल एंड डोंट लुक एट दीज पीपल फॉर हेल्प, क्वेश्चन देम, इनसे सवाल पूछो क्यों नहीं कर रहे। मदद ना मांगो आप, मदद सिर्फ अल्लाह से इंसान मांगता है, किसी इंसान से नहीं मांगता। यूसुफ अलैहि सलाम की आप सबको कहानी पता, इंसान से मदद नहीं मांगनी, उससे सवाल पूछो। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है कि मेरे बच्चों स्कूल जाएं, मेरे बच्चों को हेल्थ मिले, और कि अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकूँ। सिर्फ ये नहीं है कि अमीर अमीरों में, बाकी सारे उधर ही फंसे रहें जहाँ हैं। तो ये है। और ये जो मेरे एक अंकल हैं, वो भी LLF पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा जो मैं ये काम करता हूँ ना, कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने इस दुनिया को आग लगाई मेरी जनरेशन में, और मैं अपने बच्चों को भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी कंडीशन होके अब 30-40 साल के हो चुके हैं। ये मैं अपने पोते और पोतियों के लिए कर रहा हूँ और उनके बच्चों के लिए कर रहा हूँ, शायद उनको हम एक बेहतर दुनिया दे सकें। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और होपफुली आप लोगों को भी इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।